इंस्टेंट पालक पनीर घर में कैसे बनाएं, आज उसी की रेसिपी हम लेके आए हैं। तो स्टार्ट करें ना अमृता, बताइए। यस, सो सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ, सो दैट एक ही डिश में हमारी सब्जी बन जाए। ओके, सो आई टुक लिटिल बिट ऑफ ऑयल, जस्ट इनफ टू सॉटे द पनीर। ओके, एंड देन इन दिस ओनली विल कुक द करी। तो सॉटे करने से क्या फायदा होता है, थोड़ा सा ये यू नो कच्चा वाला जो फीलिंग होता है, हाँ, वो चला जाता है। ओके, देखिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे सॉटे कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं नम्रता भूरा जैन जी की किचन में आपको दिखाने इंस्टेंट पालक पनीर की रेसिपी, जो आप झटपट बना सकते हैं। तो इसको कौन सी फ्लेम पे हमें सॉटे करना है? मीडियम फ्लेम पे सॉटे कीजिए। अच्छा, जस्ट थोड़ा सा गोल्डन होने दीजिए, कच्चा पन निकल जाए। तो तब तक ये सॉटे हो रहा है, तब तक नम्रता आप पालक के बारे में बताना चाहेंगे? यस श्योर। मैंने ये पालक का प्योरे बना दिया है। ओके, सो आई टुक फ्रेश पालक, वॉश्ड इट वेरी वेल, थोड़ा सॉल्ट ऐड करके आप वॉश कीजिए, सो दैट ऑल यू नो इट्स वेरी क्लीन। ओके, एंड देन इसको मैंने ब्लेंच कर लिया है इन हॉट वाटर जस्ट फॉर 5 मिनट्स। गर्म पानी में आप इसको डाल के गैस पे कुक कीजिए, एंड देन इमीडिएटली आप इसको रिंस करके आइस कोल्ड वाटर डाल दीजिए, सो द कलर ऑफ पालक विल बी रिटेन्ड। ओके, ग्रीन रहेगा। ओके, तो ठंडा पानी आप इमीडिएटली डालें और उसको पीस लें। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्यूरी टू सेव टाइम रेडी कर रखा है। ब्लांचिंग करना बहुत आसान है, पर ठंडे पानी से धोना मत भूलिएगा ताकि इसका कलर ग्रीन रहे। हमारा पनीर यहाँ पे सॉटे हो रहा है, इसका ब्राउनिश होते ही हम स्टार्ट करेंगे पालक पनीर बनाना। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, पनीर हमारा वहाँ पे सॉटे हो रहा है। इसमें बटर में बनाएंगे हम, वन टी स्पून बटर। हम डालेंगे अनियंस, फाइनली चॉप, या फाइनली चॉप 1 अनियन। आपने पालक कितना लिया था नम्रता? आई टुक 1 बंच, 1 बिग बंच। ओके, यस, इट बी गुड फॉर अ फैमिली ऑफ 4। यस, तो अभी देखिए प्याज हमारे यहाँ पे सॉटे हो रहे हैं, तो इसको हमें हल्के से भूनना है स्लो फ्लेम पे। यस, ओके, तो देखिए इसको अभी हम सॉटे होंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए प्याज हमारे ऑलमोस्ट भुन गए हैं और आप यहाँ देखेंगे कि हमारा पनीर भी सॉटे हो गया है। और नम्रता, ये आपने पीने के पानी में इसको आपने सोक कर दिया इमीडिएटली, तो ऐसा क्यों कराया हमने? सो दैट द एक्सेस ऑयल दैट इज टेकन आउट एंड दिस रिमेन्स वेरी स्पॉन्जी, नाउ दिस बिकम्स वेरी स्पॉन्जी। तो देखिए हम खाते हैं, तो जैसे ही हमारा ब्राउनिश हो गया पनीर, उसको हमने पीने के पानी में निकाल दिया, उसको डिप कर दिया, तो उसका तेल भी निकल गया और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी भी हो गए। राइट, और ये देखिए यहाँ पे हमारे प्याज भी भुन गए हैं। यस, नाउ वी ऐड फाइनली चॉप टोमेटो, 1 टोमेटो, और ये सब हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। आपके घर में भी टोमेटो मुंह में आए नहीं पसंद करते, आप इसको प्योरी करके डाल सकते हो, बट आई लाइक इट दिस वे, थोड़ा सा टेक्सचर ऐसा आना चाहिए, क्रीमी एंड देन मुंह में कुछ आता रहे। तो देखिए हमारे टमाटर भी हो गए हैं। यस, नाउ आई एम एडिंग बिट ऑफ गार्लिक। So, ये पाउंडेड गार्लिक है, हमाम दस्ते में उन्होंने कितने पीसेस ऑफ गार्लिक को क्लब्स को हमने करा? 4 पॉड्स, मैंने 4 लिए हैं, 4 क्लब्स ऑफ गार्लिक, पॉड्स ऑफ गार्लिक यहाँ पे लेके उसको पाउंड हाथ हमाम दस्ते में करा है। जस्ट क्रश्ड इट। हाँ हाँ, आई मीन आई लाइक दिस टेक्सचर, जब थोड़ा क्रीमी टेक्सचर ऑफ पालक। हाँ हाँ, विद दिस बहुत अच्छा लगता है। सो 30 सेकेंड्स तक आपको गार्लिक को कम से कम चलाना है ताकि उसकी रॉनेस चली जाए। करेक्ट, नाउ ऐड द पालक प्यूरे। देखिए एकदम ग्रीन है, तो नम्रता जी की टिप्स के संग अगर आप पालक को ऐसे रखेंगे तो ग्रीनिश एकदम ग्रीन कलर आएगा आपकी प्यूरी का। एंड ये आपने सुबह ही करके रख लिया था, राइट? Yes, yes. और फिर भी एकदम ग्रीन कलर इंटैक्ट है, बेसिकली हमने इसको ठंडे पानी से वॉश करा, राइट? Yes. That's why I love to do videos with moms. And आप देख सकते हैं नम्रता जी को 25 सालों का कुकिंग से, वो 25 साल से कर रही है, इतना शौक है उनको कुकिंग का, बचपन से बनाते आ रहे हैं, तो ये टिप्स भी उन्होंने अपनी मम्मी से, मदर इन लॉ सबसे सीखी है। अगेन उसको क्रश करके हमेशा हम डालते हैं।
ओके टू एनहांस इट्स एरोमा. यस आई कैन ऑल्सो वाउच फॉर इट क्योंकि सारे वीडियोस में ग्रैंड मॉम्स यही बोलती है हाथ से अगर कसूरी मेथी आप क्रश करेंगे ना पान से तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जियों में. या अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला. ओके और इसमें जस्ट 5-6 दाने आप शुगर ऐड कीजिए. ओके टू यू नो बैलेंस द टेस्ट. इसको अब हम मिक्स कर रहे हैं. दिस इमीडिएटली स्टार्ट फ्लटरिंग एज यू कैन सी जल्दी कुक हो जाता है ऑलरेडी. अब पालक इज ब्लांच्ड. ओके करने का ज्यादा जरूरत नहीं बचा है. आई ऐड माई सॉल्ट टू टेस्ट बिकॉज दिस इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल. थोड़ा कम डालना है फ्रॉम यूजुअली हाउ मच यू पुट. थोड़ा कम क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स ऑलरेडी थोड़ी सॉल्टी होती हैं. दे हैव वाटर कंटेंट इन देम एंड रेड चिली पाउडर. सी इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लटरिंग. तो इसको स्लो फ्लेम कर दिया है हमने. स्लो कर दिया बस मैं मसाले ऐड कर रही हूं. ये क्या डाल रहे हैं? धनिया पाउडर. ओके एंड नाउ फाइनली आई एम एडिंग हियर कर्ड. अच्छा मैंने फेट लिया है. ओके फ्रेश कर्ड है. फ्रेश कर्ड ओके जो हमारे घर में बनता है. बट यू कैन ऑल्सो एड क्रीम अगर किसी को मीठा पसंद है. होटल्स में दे गिव क्रीम बट आई लाइक इट कर्ड. इसका थोड़ा खट्टास अच्छी लगती है. एड अबाउट हाफ बोल ऑफ कर्ड. ओके यस नाउ दिस इज डन. अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे. और देखिए व्हाइट इसमें एकदम क्रीमिश टेक्सचर भी आ गया है कर्ड डालने से. यस बस अब इसमें पनीर जाएगा एंड विल टेक अ बॉइल बस. ओके देखिए आप पनीर जो हमने पानी में सोक कर रखे थे. सो देखिए यहाँ पे पनीर भी. हाँ तो एक बार आप सॉफ्टनेस दिखाएंगे उसकी. यस नम्रता शो यू. ये देखिए. यस एकदम सॉफ्ट टेक्सचर बन. यस तो देखिए ये टिप के संग अगर आप पालक पनीर बनाएंगे तो बहुत जल्दी और फटाफट बनेगा. एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है? दैट्स इट. नाउ वी आर टर्निंग ऑफ द फ्लेम. टर्न ऑफ कर देंगे. यस टर्न इट ऑफ एंड विल प्लेट इट. ये रेडी टू ईट है. यू कैन हैव इट विद राइस और चपाती. ओके तो अब देखिए हम गर्मा गर्म आपको इंस्टेंट पालक पनीर रेडी हो चुका है. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा बिकॉज हर मॉम बहुत ही मेहनत के संग आपको ये रेसिपीज दिखाती है. सो अब नम्रता आपको यहाँ पे सर्व करिए एकदम ग्रीन कलर का बिल्कुल पालक पनीर ग्रेवी के संग आपका रेडी हो चुका है. जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं. गारंटी ये रेसिपी आपकी किचन में भी इतनी ही ग्रीन और इतनी ही अच्छी बनेगी विथ सच लवली टिप्स फ्रॉम दिस लवली मॉम. एयर शानदार रेसिपी रेडी हो गई है पालक पनीर की. बहुत ही सुंदर दिख रहा है. नम्रता थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रेसिपी वंस अगेन. मजा आ गया आपके संग इंस्टेंट पालक पनीर बना के एकदम ग्रीन कलर का. अब बनाइए खाइए एंजॉय करिए. मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का पे. बाय बाय एवरीवन.